नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लुसेंट सामान्य ज्ञान से। भारत का भूगोल टॉपिक अभी हमारा चल रहा है और ये हमारा चौथा टॉपिक है, भारत के भूगोल से भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियाँ चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो क्वेश्चन इस वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं, मैं क्वेश्चन एक बताऊँगा और उसमें एक दो सेकेंड का समय लूँगा और आपको उस एक दो सेकेंड के अंदर में आपको अपने माइंड में रिमाइंड करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है और फिर मैं आंसर बताऊंगा। इससे आपका क्या होगा कि बस इस छोटे से वीडियो में जितना क्वेश्चन पढ़ाऊंगा दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में आपको याद हो जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है? इसके आंसर बताइए। इसके आंसर होगा लूनी नदी। एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है? लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है? रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है? इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। ठीक है, देवप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है? देवप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है? अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? यमुना। ठीक है, यमुना नहीं होगा, जमुना होगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग। जुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी। राजस्थान की एकमात्र नदी जो साल भर बहती है? चंबल नदी। सिंधु नदी जल समझौता के अनुसार भारत संपूर्ण जल का कितना परसेंट जल जो है उपयोग कर सकता है? आंसर बताइए इसका। 20%। सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? जम्मू कश्मीर। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय नदियां जितनी भी है उनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय नदियां जितनी भी है उसमें सबसे उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? महानदी। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 2015 में किन दो बड़ी नदियों को जोड़ने का कार्य किया गया था? गोदावरी और कृष्णा नदी। मांडवी और जुआरी नदी किस राज्य में बहती है? गोवा में। कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है? कोसी नदी कहाँ से निकलती है? गोसाईनाथ चोटी के उत्तर से। माही नदी का उद्गम स्थल क्या है? मध्य प्रदेश के अमझोर में मेहल झील से। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कावेरी नदी को। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वीडियो समाप्त होता है और कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा कि हमारे ये जो क्वेश्चन हमने बनाया लुसेंट सामान्य ज्ञान से ही रिलेटेड सारा क्वेश्चन है, एक भी उससे बाहर नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो भी हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा।
तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द, अपना मतलब पाँचवा वीडियो, चार वीडियो बन चुका है अपना लुसेंट समान ज्ञान से, भारत का भूगोल टॉपिक है, चार वीडियो बन चुका है, इसको मैं कोशिश करूँगा 10 से 15 वीडियो में इसको मैं ख़त्म करने के लिए, क्योंकि फिर हिस्ट्री को कवर करना है और बिहार दरोगा को टारगेट लेते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमको हिस्ट्री का ज़्यादा पोर्शन को टच करना है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन तो 10-12 यहीं रहेंगे, तो इसको मैं 15 से लगभग 15 वीडियो में मैं ख़त्म कर दूंगा ज्योग्राफी को, उसके बाद अपना बीच बीच में हिस्ट्री भी चालू होगा। ओके,